जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता संभाली है तब से समाजवादी पार्टी के सांसद आसम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है, तो वहीं बेटे की विधायकी रद्द होने से भी वो काफी निराश हैं। और आज ये परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब उन्हें जेल भेज दिया गया। तो किस मामले में आसम को हुई जेल, क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त अपनी धाक जमाने वाले आसम खान के सितारे फिलहाल गर्दिश में हैं। पहले ही वो कई मामलों में न्यायिक जांच का सामना कर रहे हैं, तो वहीं अब सपा सांसद आसम खान अपनी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आसम खान को 2 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया गया है। जी हां, रामपुर की अदालत में आज आसम खान अपने परिवार के साथ पेश होने पहुंचे थे। दरअसल पिछले काफी वक्त से कोर्ट के बुलाने पर भी आसम खान हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके चलते आज उन पर ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि आसम खान के बेटे आसम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 24 फरवरी को तारीख पर पेश न होने पर अदालत ने आसम खान, उनकी पत्नी और रामपुर विधायक तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आसम खान की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। पुलिस प्रशासन ने रामपुर में इसकी मुनादी भी करवाई थी। मामलों पर सुनवाई चल रही थी। इस मामले में कोर्ट ने कई बार आसम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को हाजिर होने का आदेश दिया, लेकिन तीनों हाजिर नहीं हुए। इस मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया। बुधवार को तीनों कोर्ट के सामने पेश हुए और जमानत याचिका डाली। कोर्ट ने आसम, उनकी पत्नी और बेटे की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने तीनों नेताओं को 2 मार्च तक जेल में रहने का आदेश दे दिया। वही रामपुर एडीजी कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आसम खान हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अगर आसम खान और उनके परिवार को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो उन्हें 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि सपा सांसद आसम खान पर 88 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन इनमें उन्हें जमानत मिल चुकी है। ऐसे में वो हाई कोर्ट का रुख करते हैं या नहीं, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।